अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो गए हैं, लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में एजुकेशन सिस्टम देखा तो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। जून में जैसा स्कूल शुरू हो जाते थे, बच्चे पढ़ने के लिए चले जाते थे, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि लॉकडाउन के कारण बच्चों को घर पे ही रहना पड़ रहा है। मार्च से लेकर जून तक जो पढ़ाई होनी थी, जो एग्ज़ाम्स होने थे, उसमें भी बड़ी बाधा आ गई। तो बच्चों को इस वक्त जो है ऑनलाइन पढ़ाई करने की मजबूरी है। हालांकि सरकार कह रही है कि यही एक रास्ता है बच्चों को पढ़ाने का, लेकिन इसकी खामियाँ जो हैं वो अब सामने आने लगी हैं। मेरे साथ इस वक्त नवी मुंबई के पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, ये कितना प्रभावी है, इसमें इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। ये सवाल इनसे पूछना इसलिए भी लाजमी हो गया क्योंकि आप नवी मुंबई महानगर पालिका में एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन आप रह चुके हैं। आप यहाँ पर अम्बेडकर नगर में एक ऐसा विद्यालय आपने स्थापित किया है जो पूरे इंडिया के लिए रोल मॉडल बना है, तो जाहिर सी बात है कि एजुकेशन को आप बेहतर ढंग से समझते हैं, उसके हालात को, उसकी परिस्थितियों को और जो टेक्निकल खामियां हैं उसको भी आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब लॉकडाउन हुआ है तो अगर आप देखेंगे कि मार्च से लेकर जो मई तक एग्ज़ाम्स होते थे वो सारे रद्द हो गए हैं, बच्चे घर पर हैं, एक तरह से नज़रबंद हैं, उनकी मानसिक स्थिति भी इस तरह की हो गई है कि अब पढ़ाई होगी कि नहीं होगी। सरकार ने इसके लिए कुछ ऑनलाइन एजुकेशन का इंतजाम भी कर दिया है, तमाम स्कूल्स जो अपने बच्चों को, अपने छात्रों को पढ़ाने की शुरुआत भी कर दी है, लेकिन इस परिदृश्य को आप अपने नज़रिए से किस तरह से देखते हैं, बतौर एक्सपर्ट? मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा एजुकेशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस बस्ती में रहता हूँ, जिस एरिया में रहता हूँ, उस हालात का एक्सपर्ट मैं ज़रूर हूँ, क्योंकि मैंने कई चिट्ठियाँ मुख्यमंत्री जी को लिखी, कई चिट्ठियाँ यहाँ पर आयुक्त को लिखी और बार बार मैंने ये दोहराया कि यहाँ की जो लोकेलिटी है, उस लोकेलिटी में जिस प्रकार लोग रह रहे हैं उनको किस प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही है, वो कठिनाइयाँ सरकार के सामने रखने का काम मैंने किया। उसमें सरकार ने लोगों को घर जाने के लिए, अपनी निजी कार यूज़ करने के लिए कुछ समय दिया, कुछ लोग यहाँ से चले गए, बस्ती थोड़ी खाली हो गई। इससे निश्चित रूप से जो यहाँ के मूल रहवासी है उनको थोड़ा तो मतलब उससे राहत मिली है, लेकिन जैसे कि आपने पूछा कि शिक्षा व्यवस्था जो है, शिक्षा व्यवस्था जीवन में सर्वोच्च स्थान ग्रहण करती है, यानी जो शिक्षित है वो किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, वो निश्चित रूप से ज्ञानी पंडित हो सकता है। और ज्ञान का पंडित अगर आपको बनना है, अज्ञान से अगर बाहर आना है, तो आपको शिक्षा के सिवा दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है। लेकिन आज मैं देखता हूँ जिस प्रकार की साजिश, मैं इसे साजिश कहूँगा, क्योंकि ये जो गरीब है, कई जाति, कई धर्म, कई भाषा के लोग ऐसे कामगारों के बस्ती में रहते हैं। हम देखते हैं कि जिनको 1-1 लाख रुपए पगार है, उन शिक्षकों को आप हफ्ता में एक बार बुलाते हो या महीना में एक बार साइन करने के लिए बुलाते हो, लेकिन रोड पे झाड़ू मारने वाले को आप डेली बुलाते हो, वहाँ गार्डन में काम करने वाले को डेली बुलाते हो। तो ये जो लोग हैं, सरकार एक तरफ बोलती है कि लॉकडाउन है, इनके लिए लॉकडाउन नहीं, इनमें से कोई मर नहीं रहा है, लेकिन आज जो बच्चा स्कूल में अगर आएगा वो तो भूखा मर रहा है वहाँ पर, उसको ना कपड़ा है, ना कापी है, ना किताब है। सरकार ने 15 तारीख को स्कूलें चालू की और लोगों को किताबें बांटी, अरे वो किताब लेके क्या करेगा, शिक्षक तो ऑनलाइन है। यस, वो क्या किताब में ऑनलाइन आएगा, नहीं आएगा। इसके लिए भी मैंने आयुक्त को चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा कि भाई आप पहली से 8वीं तक के जब बच्चे हैं, सप्ताह में एक बार पहली के बच्चों को बुलाइए और 6-6 बच्चे एक शिक्षक को दीजिए, वो पूरे सप्ताह का उसके पास लिखेगा, होमवर्क देगा, आप बच्चे को क्या सेफ डिस्टेंस है, वो क्या स्वच्छता है, क्या कोरोना है, इसके बारे में समझाएगा। वो बच्चा दूध बन के आपके घर में जाएगा, जैसे हमने स्वच्छता दूध बनाए थे, उस प्रकार से वो बस्ती में जाएगा, अपने माता पिता को समझाएगा, अपने पड़ोस को समझाएगा, तो ये कोरोना ऐसे भी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ जिस प्रकार का प्रोटोकॉल बताया जाता है, हर आदमी, मैंने तो ये देखा है कि जितने मेरे वार्ड के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वो सारे के सारे वहाँ जाके
चार दिन में, पांच दिन में, छह दिन में, सात दिन में ठीक हो गए, वापस आ गए। अगर कोरोना की कोई दवाई नहीं तो ये सारे ठीक क्यों हो रहे? और जितने लोग मेरे वार्ड के मर गए उनको मरने के बाद घोषित किया कि ये आपके कोरोना से मरे हुए हैं। तो ये जो भी खिलवाड़ है, ये शाब्दिक खिलवाड़ है, इसको कहीं ना कहीं ब्रेक लगना चाहिए। और जो हकीकत है, हकीकत का सामना करने के लिए सरकार को ये जो ब्यूरोक्रेट्स है इनके ऊपर ज़्यादा निर्भर ना होते हुए जो आम जनता है उनके साथ सीधा डायलॉग करके उनको जिस प्रकार आज सरकार को सरकार चलाने के लिए पगार देने के लिए पैसा नहीं है तो कंपनी वालों को उन्होंने बोल दिया कि आप आपके जिम्मेवारी पे कंपनी चालू करो, कंपनियां चल रही है, सरकार को जीएसटी के माध्यम से वहां पर सेस मिल रहा है, लेकिन वो कंपनियां चला सकते हैं, फिर ये बच्चे मुझे बताइए स्कूल में क्यों नहीं आ सकते? यस, आप अगर उनको घर में ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हो तो मैं ये कहता हूँ कि सप्ताह में एक बार उन बच्चों को बुलाओ और शिक्षकों को रोज़ बुलाओ, क्योंकि उसको हम पगार देते हैं, और शिक्षकों को आप सप्ताह में महीना में एक दिन बुलाओगे तो नहीं चलेगा। Yes. तो ये है, कैसे सुधीर जी आपने जो सवाल किया है, ये सवाल इस साल में कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूली सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आज उनके हालात ऐसे हैं, ना बाप के पास नौकरी है, ना माँ के पास नौकरी है, ये बच्चा कहीं ना कहीं या तो चोरी करेगा, या तो भंगार चुनने के लिए जाएगा, या तो कहीं ना कहीं रोजी रोटी का बंदोबस्त करने के लिए जाएगा। तो सरकार बच्चों को ऑनलाइन नहीं कर रही है, ये शिक्षा क्षेत्र से ऑफलाइन कर रही है, यानी बाहर करने का काम कर रही है। तो मुझे इतना ही आपको आपके माध्यम से सरकार को कहना है, लोगों को कहना है कि भाई आपने जैसे देखा कि हमने बार बार विनती की कि ट्रेन चालू करो और जो यहाँ परदेशी फंसे हुए हैं उनको वहाँ भेजो, लेकिन सरकार ने वो काम नहीं किया। जब जितने गरीब थे वो सारे गरीब चलते हुए उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पहुंचे, लेकिन जिनके पास पैसा था वो ट्रक करके चला गया, जिनके पास पैसा था वो निजी गाड़ी चल के लेके गया, जिसके पास पैसा था वो रिक्शा करके चला गया। तो मुझे बताइए, जिसके पास पैसा है वो ऑनलाइन पढ़ाई करेगा, जिसके पास पैसा नहीं है आपकी किताब लेके वो घर में क्या करेगा? उसके ऊपर लिम्बी मुर्चे डालेगा, क्या करेगा? मुझे बताइए ना, वो मास्टर ही नहीं उसको पढ़ाने के लिए, मास्टर उसके घर नहीं जाएगा पढ़ाने के लिए। सर, इसमें एक और जो बात आपने उठाई कि एक तरह की साजिश रही है, क्योंकि जो गरीब तबका है जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे लैपटॉप चाहिए, टैब चाहिए या स्मार्टफोन चाहिए, उस तरह की सुविधाएं हर बच्चे के पास अवेलेबल नहीं है। तो आखिर ये फिर जो जो सरकार का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी, उसके अगर ये इंस्ट्रूमेंट है तो उसके साथ इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी एक एक्स्ट्रा खर्च है। और ऐसे दौर में जब सारा कामकाज पूरी तरह से ठप है, तब इंटरनेट का खर्च, स्मार्टफोन या टैब या दूसरे इंस्ट्रूमेंट जो हैं जो पढ़ाई के लिए, आपको कितना वाजिब लग रहा है कि यह क्या संभव है क्या कि जिन बच्चों के घर में खाने का इंतजाम नहीं है, स्मार्टफोन, टैब या मोबाइल कैसे खरीदेंगे? मैंने आपको पहले ही बता दिया ये असंभव है और ये षड्यंत्र है। मैं षड्यंत्र इसलिए कहता हूँ कि मैंने बार बार चिट्ठी में यही लिखा है कि लोग भूखे मर रहे हैं, शासन कह रहा है कि हम आपको मुफ्त में राशन देंगे, राशन नहीं मुफ्त में मिल रहा है यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो रोड पे झाड़ू मारता है, उनका भी बच्चा म्यूनसिपालिटी स्कूल में नहीं पढ़ता है, यानी कि जिसके पास हाथों को कुछ काम ही नहीं है ऐसा ही बच्चा म्यूनसिपालिटी में आता है। तब मुझे बताइए, जो बेरोजगार हो चुके हैं लोग, उनके बच्चे किस प्रकार से आपका इंटरनेट लेंगे, कैसे स्मार्टफोन लेंगे? हाँ, फोन सबके पास है, सब बोलते हैं। कभी कभी तो मैं मंत्रियों का मैं स्टेटमेंट सुनता हूं तो मुझे ताज्जुब लगता है, अरे आपके पास मोबाइल यूज़ करने के लिए पैसा है, आपको बिजली का बिल भरने के लिए पैसा नहीं है। तो मुझे बताइए, आज तो ऐसे बिजली का भी तो बहुत बड़ा संकट है, झोपड़पट्टियों में सबके घर में बिजली नहीं है। तो मुझे बताइए, वो बच्चे कैसे इस एंड्रॉयड फ़ोन को खरीदेंगे, कैसे उसको चलाएंगे? तो ऑनलाइन ये कतई मतलब पॉसिबल नहीं है, मैं पॉसिबल नहीं ऐसा नहीं कहूँगा, जो स्मार्ट स्कूलें हैं वहाँ पॉसिबल है, लेकिन जो यहाँ खैराती स्कूलें हैं वहाँ पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ये लागू हो नहीं सकता है। मैं यही चाहता हूँ, अगर आप सेफ डिस्टेंस, मैं आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कहूँगा, सेफ, हम सुरक्षित डिस्टेंस रखेंगे, सुरक्षित अंतर रखेंगे, यहाँ तो सामाजिक अंतर बनाने का पूरा कोशिश हो रहा है, तो हम सुरक्षित अंतर बना के अगर बच्चों को सप्ताह में एक बार भी अगर बुलाते हैं
और उनको मिड डे मील के माध्यम से मिलने वाला जो उनका अनाज है वो सप्ताह में अगर एक बार देते हैं तो वो पेट से भी संतुष्ट रहेगा और बुद्धि से भी संतुष्ट रहेगा, जिससे हम देख रहे हैं कि ये जो भारत की युवा पीढ़ी है, जो भविष्य है, ये उज्ज्वल होगा। आपने एक बात अपने जो कमिश्नर और राज्य सरकार को आपने लिखी है कि जो ये बच्चे हैं, खासकर जो स्लम इलाके हैं या जो सामान्य इलाका है जिनके गरीब घरों के जो बच्चे हैं जो महानगर पालिका स्कूलों में आते हैं, उनमें अधिकांश की संख्या इसलिए ज़्यादा होती है ऐसे विद्यालयों में आने की महानगर पालिका में, क्योंकि वो मिड डे मील के चक्कर में आते हैं। पेरेंट्स इसलिए थोड़े से बच्चों को भेजते हैं कि कम से कम एक या दो वक्त का उनको खाना मिलेगा, तो पढ़ाई भी हो जाएगी फ्री में और बच्चों को भोजन भी मिल जाएगा। ऐसी कंडीशन में जब स्कूल बंद हैं तो आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है इसे फिर से प्रारंभ करनी चाहिए? आपने इसकी डिमांड भी की है। मैंने तो म्युनिसिपल कमिश्नर को चिट्ठी लिखी 17 तारीख को, 17 मई को मैंने चिट्ठी, 17 जून को मैंने चिट्ठी लिखी, खुद मैंने जाके मिला और उनको उसके बाद में राज्य सरकार का 4 दिन के बाद में आया हुआ परिपत्रक भी दिखाया कि राज्य सरकार ने उसने लिखा है कि आप स्थानीय जो पेरेंट्स कमेटी होती है उनको साथ में लेके स्कूल में मिड डे मील का जो भी है वो डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार की हमें कोई भी ये दिखाई नहीं दे रही है, तैयारी दिखाई नहीं दे रही है और ना किसी ने दिया है। मैं आपको यही कहता हूँ कि यहाँ सरकार कहती है कि हम आपको ये दे रहे वो दे रहे, क्या दे रहे है उसके ऊपर वो जायजा लेने के लिए किसी को नियुक्त किया है क्या? ये किसी का जायजा नहीं लेता है। मैंने तो जाके म्युनिसिपल कमिश्नर से ये भी कहा था, कमिश्नर साहब जिस प्रकार से हम स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं और एक क्षेत्र का एक क्षेत्रीय आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नियुक्त करते हो, वार्ड ऑफिसर है, उनके अगेंस्ट ऐसा है, ये सारे लोगों को काम पे लगाइए और उन लोगों को आप देखो हैंड वॉश स्टेशन होने चाहिए, शौचालय में जाके दीजिए, शौचालय में पानी नहीं मिलेगा आपको, तो कैसे आप कोरोना से हाथ धोएंगे मुझे बताइए ना। yes. कोरोना से नहीं, जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे आप। इसलिए आपको या तो इसके बारे में कोई सीरियसनेस नहीं है तो लॉकडाउन खोल दो, अगर सीरियसनेस है तो जो सुझाव हम दे रहे हैं उस सुझाव के ऊपर गौर करो और उस सुझाव के ऊपर गौर करने के बाद में हम आपको कहते हैं कि 15 दिन में ही ये कोरोना हमारा देश छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते। इसमें कई मेडिकल स्कैम मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, हमने तो कई यहाँ देखे, जो गरीब आदमी होता है उसको हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए ना एम्बुलेंस मिलती है, ना हॉस्पिटल मिलता है, ना खाट मिलती है, हर आदमी बोलता है तुम्हें कोरोना हुआ है क्या, नहीं हुआ है तो तलाश करो, अगर तलाश करने जाएंगे तो म्युनिसिपैलिटी में तलाश करने के लिए कोई चिट्ठी नहीं देता है, निजी में करो तो पैसा लगता है, यानी कि यहाँ जाओ तो कुआ, वहाँ जाओ तो अरे, इस प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने है। इसलिए शिक्षा शायद ही उन 2020 में बच्चों को मिल पाएगी जिन बच्चों को आपने आगे ये किया है। मैं तो इतना कहता हूँ कि एक पूरी पीढ़ी आपने इस साल में बर्बाद की है, जितने लोग फिजिकली मरेंगे उससे ज़्यादा लोग सोशली और इकोनॉमिकली मर जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। सुनन साहब, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट अभी है, आप खुद भी इसका जिक्र जैसे आपने कर दिया है कि ये एक साजिश है, तो क्या एजुकेशन सिस्टम को इस साजिश का शिकार बनाया जा रहा है ताकि भारत के जो गरीब बच्चे हैं खासकर वो पढ़ाई ही ना कर पाएँ, वो पढ़ेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर सर्व शिक्षा अभियान का क्या होगा, फिर जो तमाम योजनाएँ एजुकेशन के लिए चल रही हैं उन योजनाओं का क्या औचित्य है आज के दौर में? देखिए, मैंने कल प्रधानमंत्री जी का भी मतलब स्टेटमेंट देखा कि मैं नवंबर तक यानी दिवाली और छठ पूजा तक आपको राशन दूंगा। यह राशन की बात नहीं है, राशन से भूखा मरने वाला आदमी नहीं है, राशन से काम चलने वाला नहीं है। हम यहाँ पर जो समाज है उस समाज को राशन के लिए लाचार होता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। अगर राशन के लिए लाचार हो, मुझे बताइए ना मृतकों की संख्या क्या है। मेरे वार्ड में यहाँ पर पूरे लॉकडाउन के समय में 26 लोग ऐसे ही जिनको दवाई नहीं मिली, जिनको हॉस्पिटल नहीं मिला, जिसको एम्बुलेंस नहीं मिला, उसके कारण वो मर गए, लेकिन सिर्फ 2 लोग इससे मर गए कोरोना से, और जो मेरे बाहर से 50 लोग गए वो 3 दिन में 4 दिन में 6 दिन में ठीक हो गए, वापस आ गए। तो मुझे बताइए, सरकार को इतने सारे लोगों को घर में बांध के रखना चाहिए क्या? आप मुझे बताइए, जो कंपनियाँ चल रही है कंपनी में लोग जा रहे, बहुत खुशी है इसलिए नहीं जा रहे? मुझे बताओ ना, अगर बहुत खुशी है
तो जो सरकारी बाबू यहाँ पर लाखों रुपए पगार ले रहे हैं वो अपने दफ्तर में रोज क्यों नहीं जाता है? मैं जो कहता हूँ, जो निजी झोपड़पट्टी में रहने वाला, निजी कंपनी में काम करने वाला आदमी जिस दिन स्कूल कंपनी में जाएगा उस दिन की तनख्वाह उसे मिलेगी, इसलिए वो जा रहे, ना कि उसको महीने की तनख्वाह मिलेगी तो वो भी नहीं जाएगा। मुझे बताए सारे सरकारी कार्यालय जो है वो 100% चालू करो और उनको चालू करो, फिर पता चलेगा कि आप, अरे आपको तो सरकार का पूरा सपोर्ट है, पूरा पैसा मिल रहा है और हमको बोल रहे हैं कि आप अंदर बैठो अंदर बैठो, ये साजिश नहीं तो क्या है? अब मैं थोड़ा जानना चाहता हूं आपसे कि अभी जो कोरोना की, आपने खुद कहा कि 50-60 लोगों की जो ऐसे थे जो घर लौट कर आ गए, स्वस्थ होकर आ गए, 26 लोगों में सिर्फ 2 लोग ऐसे थे जो कोरोना से जिनकी डेथ हुई है और वो भी मरने के बाद ये डिक्लेयर किया गया है मरने के बाद कि उनको कोरोना था। अब मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी महानगर पालिका अब कॉन्ट्रैक्ट ट्रेस कर रही है कि अब घर घर जाकर कोरोना ट्रेसिंग हो रही है, ये आपको कितना जायज लग रहा है कि बीमारी से पहले ही ये उसमें पूरा का पूरा सिस्टम उलझा हुआ है कि कोरोना किसको है किसको नहीं है और इस भय के साए में लोग जीने को मजबूर हैं? सुधीर जी, मैं आपको इतना बता दूं कि आप यहाँ पर पूरा मॉप स्कैनिंग करने के बाद में, मास स्कैनिंग करने के बाद में यहाँ क्या पाओगे? आपके पास उतनी सारी टेस्टिंग की सुविधा है क्या? नहीं है, नहीं है। आप खाली यहाँ पर थर्मोमीटर से टेम्परेचर लोगे, ये मैं लेके घूमता हूँ। मैंने 17 तारीख को कमिश्नर को लिखा और कमिश्नर को जाके मिला कि मैंने कहा कि जो आपके लोग सर्वे कर रहे हैं उनके पास ऑक्सीमीटर नहीं है, 1000 रुपये कीमत है इसकी, 1000 रुपये कीमत वाला ऑक्सीमीटर आप लेके नहीं दे सकते हो। जब उन्होंने पता किया, जब आपने मेडिकल ऑफिसर को उन्होंने स्पीकर पे फोन लगाया तब उन्होंने कहा कि सारे USP को दिया गया है, लेकिन हमने पूछा, जब वहाँ डॉक्टर को पूछा तो डॉक्टर ने बताया नहीं दिया है। यानी कि इतनी छोटी छोटी चीज़ें, जिसका ऑक्सीजन कम हो रहा है उसको पता ही नहीं है, सांस की तकलीफ है, ऑक्सीजन 45 पे चला गया, जब वहाँ पहुँचता है तब तक वेंटिलेटर नहीं मिलता, आदमी मर जाता है। यानी कि ये जो सर्वे करने के लिए लोग जा रहे हैं, घर के बाहर हो जाके खड़े हो जाते हैं, आपका नाम क्या है? सुधाकर सोनू ने। कितने लोग रहते हैं? 5 लोग रहते हैं, सुधाकर सोनू ने प्लस 4। आपके पास किसी को बुखार आया, सर्दी हुआ है? नहीं हुआ है, चल दिया आगे। इससे आपकी मास स्कैनिंग होने वाली नहीं है, आपको घर घर में जाके उसको विश्वास दिलाना होगा कि ये कोरोना बीमारी आपको नुकसानदेह नहीं है, लेकिन हमको खुली हवा में घूमने के लिए इसको ब्रेक करना, इसको खत्म करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। और आपको दावे के साथ कुछ लोगों को अभी कह रहे, पहले तो कहते थे आपके साथ में जिसके कांटेक्ट है सबको क्वारंटाइन करते थे, जिसके घर में मैयत हुई है उनके बच्चों को कहते आप होम क्वारंटाइन रहो, जिसके घर में कोरोना से मृत्यु हुआ है उनको भी क्वारंटाइन करने के लिए आपके पास ये नहीं है। तो शुरुआती तौर पे आपने क्यों इतना सब किया, काय के लिए इतने हॉस्पिटल बनवाए, क्यों? मुझे बताइए कि आदमी आज भी रोड पे मर रहा है। सुधीर जी, ऐरोली का हॉस्पिटल है, नेरुल का हॉस्पिटल है, बेलापुर का हॉस्पिटल है, वहाँ 450 खाटे खाली पड़ी हुए है और हमारा आदमी रास्ते में घूम रहा है। मेरे यहाँ वार्ड में देखिए, छोटे छोटे डॉक्टर 6-6 लोगों को कुर्सी पे बिठा के सलाइन लगा रहे, मालूम ही नहीं क्यों सलाइन लगा रहे, क्या लगा रहे, इसकी देखभाल कौन कर रहा है, इसका कंट्रोल कौन कर रहा है, मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, किसी को मालूम नहीं है। इतना तो है कि आप खुद महापौर रह चुके हैं नई मुंबई के, और आपको लगता है कि जो महानगर पालिका की प्रशासनिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं विफल होती दिख रही है कोरोना को नियंत्रण को लेकर या इसकी जागरूकता को लेकर? जो व्यवस्थाएं हैं, कोविड केयर सेंटर बन गए हैं तमाम जगह पर, वासी में इतना बड़ा कोविड केयर सेंटर तैयार हो गया, हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है, करोड़ों रुपये उस पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ना तो डॉक्टर है, ना तो कोई सेवा देने वाला है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है। आपको नहीं लगता कि ये महानगर पालिका एक तरह से कोरोना के पीछे पूरे सिस्टम को कोलैप्स करके बैठी है और उसका कोई फायदा जनता को नहीं होने वाला फाइनली? यहाँ सिस्टम को कोरोना हुआ है, लोगों को कोरोना नहीं हुआ है, ये सिस्टम को कोरोना। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर सुधीर जी मुझे बताइए, मेरे पास 1200 बेड ऐसे ही पड़े हुए जहाँ आप वेंटिलेटर भी लगा सकते हो, तो मुझे बताए ना करोड़ों रुपए खर्चा करके वहाँ एग्जीबिशन सेंटर में इतना बड़ा खर्चा करने की जरूरत क्या थी? आप पूरा डेडिकेटेड हॉस्पिटल वहाँ पर सेक्टर 10 में दे रहे हो कोरोना के लिए, और बाकी के जो है वो हॉस्पिटल जनरल के लिए आप अगर करते या तो उसमें से 2 और कोरोना के लिए करते तो ये करने की जरूरत नहीं होती, नौबत नहीं आती।
आप मुझे बताइए, कोरोना के बारे में इतनी सारी गलत फहमियाँ लोगों में है, जिसके चलते अभी कोई हॉस्पिटल में, मुझे, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ 2-3 हॉस्पिटल है, रात को पेशेंट को एडमिट करते हैं, एडमिट करने के टाइम में वो चिट्ठी में लिखते हैं 10 पीपी किट लाओ, 10 N95 मास्क लाओ, 10 सर्जिकल मास्क लाओ, 10-15 हज़ार का चूना लगा देते हैं, और फिर पता चलता है 2 दिन के बाद में इसको कोरोना है, तो बोलते तुरंत उठाओ तुरंत उठाओ। अरे जब कोरोना नहीं था लेने के टाइम में, तो इतने सारे सामान क्यों लिखे आपने? इसकी भी कंप्लेंट मैंने कमिश्नर को की, लेकिन इसके बारे में कोई जांच नहीं हुई है, और यहाँ आदमी मर रहा है, आदमी को दिक्कत हो रही है, आदमी को यहाँ पर पैसे पैसे के लिए तरसना पड़ रहा है, और उसके चलते उसकी मौत हो रही है। कहाँ, मुझे बताइए, जिसको सांस की बीमारी है, जिसकी सांस फूल गई कोरोना हुआ है, और एक को बचाया है, इतने करोड़ डालने के बाद में सरकार ने एक को बचाया, मुझे बताइए। मेरे वार से जितने गए सब मर गए, लेकिन जिसको कोरोना खाली टेस्ट में आया था, हंसता खेलता आदमी गया, 3 दिन में वापस आ गया, या तो कोरोना की या तो लिस्ट बढ़ा रहे हैं, या तो पता नहीं। सर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, मैं फिर से वापस एजुकेशन पे आना चाहूँगा। आपने तमाम खामियां बताई जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, अब तो तमाम ऐसी शिकायतें भी आने लगी हैं कि बच्चे जो इंटरनेट पे इस वक्त जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मानसिक तनाव पैदा हो रहा है, कंटिन्यू मोबाइल और टैब पर देखते देखते उनको दिक्कत हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि अब ट्रेडिशनल पढ़ाई की फिर से दौर फिर से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये व्यवहारिक सिस्टम नहीं है जिसके जरिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उससे और अवसाद पैदा होगा, तनाव पैदा होगा, कंटिन्यू देखने से उनको दृष्टि दोष पैदा हो सकता है, ये कितना व्यवहारिक है, और इसे तत्काल बंद करके आपको नहीं लगता कि व्यवहारिक या पारंपरिक जो पढ़ाई है वो सबसे बेहतरीन है? सुधीर जी, मैंने आपको वही कहा, जिन बच्चों के चलते इन शिक्षकों को लाखों रुपए पगार मिलता है, उनको आप घर में बिठाते हो, और जो बच्चा है उसको भी घर में बिठाते हो, ये सप्ताह में। अगर आप पारंपरिक शिक्षा की बात करते हो, तो मुझे बताइए, अगर आम आदमी के बारे में आपके मन में कुछ भी थोड़ी भी अगर अच्छी भावना है, तो आप उनको स्कूल में, जैसे मैंने सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया, कि आप पहले से 8वीं तक के बच्चों को मत बुलाओ, पहले दिन सोमवार को पहली के बच्चों को बुलाओ, मंगलवार को दूसरी बुलाओ, बुधवार को तीसरी के बुलाओ, और सारे शिक्षकों को बुलाओ, सबको 5-5, 6-6 या 10 बच्चे आएंगे, एक क्लास में अगर 10 बच्चे आएंगे तो सेफ डिस्टेंसिंग भी हो जाएगा, और शिक्षा भी होगी, और पूरे सप्ताह का होमवर्क भी उसको मिलेगा, और सप्ताह भर उसको घर में टाइम भी मिलेगा, क्योंकि वो बाहर तो जाएगा नहीं, बच्चा पूरा होमवर्क करेगा, क्योंकि एक सप्ताह के बाद में फिर जाना है, यानी ये हंसती खेलती शिक्षा व्यवस्था जो है इन बच्चों के जीवन में आनंद ला सकती है, लेकिन ऑनलाइन आपके बीच में दरार पैदा कर सकती है, बच्चों के मन में दहशत पैदा कर सकती है, गरीबी अमेरिकी अमीर का ये जो भेदभाव है, ये भी इसमें उछल के बाहर आ सकता है। तो जो जो शारीरिक तकलीफ होने वाली है, उसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? शारीरिक तकलीफ तो है ही है ना, मैंने आपको कहा कि जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, या तो वो मोबाइल से आंखों की रोशनी गवा बैठेगा, जिसके पास नहीं है वो सामाजिक भान खो बैठेगा, यानी कि ये विषमता का ही खेल है। यहाँ समता लाना चाहते हो तो ये शिक्षकों को आप, मैंने जिस प्रकार सुझाव दिया है उस प्रकार से सप्ताह में एक दिन एक टुकड़ी को वहाँ पर बुलाइए, उनके स्वच्छता का उनको पाठ पढ़ाइए, और उसके बाद में सप्ताह भर उनको घर में क्या करना है वो दीजिए, मुझे बताइए, आने वाले महीने में आप पूरी तरह कोरोना के ऊपर विजय पा सकते हैं। सर जाते जाते आखिरी सवाल, सरकार कह रही है कि अभी अक्टूबर और नवंबर तक या अगस्त के बाद तक इस तरह की स्थितियां नहीं उसको दिख रही है, सरकार की नज़र में ऐसे हालात नहीं नज़र आ रहे हैं कि स्कूलों को फिर से चालू किया जाए। अगर मैं चंद लाइनों में आपसे बोलूं कि आप राज्य सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या तत्काल निर्णय लिया जाए ताकि बच्चों की जो उत्तम व्यवस्था है वो ठीक हो सके और उनकी पढ़ाई फिर से ढर्रे पे चल सके? मैं आपको इतना ही कहता हूँ, राज्य सरकार के जितने बाबू है उनकी सारी पगार 70-80% काट दो, तुरंत सारे स्कूल चालू हो जाएंगे, ये शिक्षकों के 80% पगार काट दो, तुरंत चालू हो जाएंगे, सब बोलेंगे अरे ये कोरोना है ही नहीं, हम इसको रिपेयर करके दिखाते हैं, एक से एक चैलेंज आएंगे, लेकिन जब तक पूरी तरह पगार मिल रही है, घर में सुकून से सोने को मिल रहा है, हर आदमी कहता है मैं क्वारंटाइन हूँ, मैं कंटोनियम जोन में हूँ,
मेरा जोन कंटोनी में, मैं यहाँ से बाहर नहीं आ सकता हूँ। सप्ताह में एक बार बुलाने के बाद भी इस प्रकार के उत्तर आते हैं। मुझे बताइए, कॉर्पोरेशन में 3,500 काम का ये है कर्मचारी है, उसमें से आधे सफाई कर्मचारी रोड पे काम कर रहे हैं। जो बाबू लोग ऑफिस में बैठने वाले हैं, उसको कहाँ कोरोना होने वाला है? उसका पकार बंद करो, दूसरे दिन ऑफिस में आके बैठने को चालू हो जाएगा। तो इसलिए शासन को कभी भी, मैं इतना ही कहूँगा, बहुत बड़ा नहीं हूँ, लेकिन अगर घोड़सवार है, घोड़ा मजबूत है तो घोड़सवार भी मजबूत होना चाहिए। या तो घोड़ा आगे चला जाएगा, घोड़सवार नीचे गिरेगा, तो शरीयत जीतने वाला नहीं है। यहाँ जिस प्रकार का स्कैम दिन ब दिन बाहर आता है, मेडिकल स्कैम, उसके बाद में टेस्टिंग का स्कैम, गोलियों का स्कैम, किसका स्कैम, हर चीज़ बाहर आ रही है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है। जिसका पेट भरा हुआ है, जिसको 1 तारीख को पगार जमा होगा, इसकी गारंटी है, वो इसमें बहुत बड़े 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 लेख लिखता रहा, लेकिन जब उसकी आमदनी ख़त्म हो जाएगी, उसका पगार काट दिया जाएगा, तब पता चलेगा। हम जो निजी कंपनी में जाके काम करते हैं ना, दो दिन काम करेगा, 2 ही दिन का पगार मिलता है, 30 दिन का पगार नहीं मिलता है। इसलिए इतने मजबूरी उठा के, मुंह बांध के हम लोग कंपनी में काम करने चले जाते हैं। इन ऑफिसरों का पगार कट कर दो, दूसरे दिन स्कूल चालू हो जाएंगे, मैं लिख के देता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि कहीं ना कहीं इसमें जो सरकार है, उस हालात को समझने में और उसको संभालने में शायद विफल हो रही है। जो स्थानीय प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को गंभीरता से उन लोगों के प्रति ध्यान नहीं दे रहा, जो सामान्य लोग हैं, जो गरीब लोग हैं और जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई और उनके आरोग्य की चिंता करने की अभी ज़रूरत है। जिस तरह का आपने सुझाव दिया है कि जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले लोग हैं, वो अपने आप को और भी ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को रखना चाहते हैं, जबकि सामान्य कामकाज वाले लोग हैं वो मजबूरी में, चूँकि जीवन चलाना है इसलिए वो सड़कों पर हैं और सफाई में कामकाज में है या जो दूसरी सामान्य सेवाएं हैं उसमें लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर इसको, ये जो एक विषमता है, इसको ठीक करना पड़ेगा। जैसा कि आपने खुद डिमांड की है कि अगर सरकार गंभीर होती है तो जो ये ऑनलाइन एजुकेशन है उसकी बजाय ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है, जो व्यवहारिक शिक्षा है, वो फिर से शुरू करने की ज़रूरत, ताकि जो अमीर या जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं उन्हीं की तरह जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं वो भी समान रूप से वो पढ़ाई अपनी कर सकें। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर गंभीरता से सोचेगी और फिर से जो पहले जैसी जो पढ़ाई है, सेफ डिस्टेंस रख के, सभी नियमों का पालन करते हुए, जो बच्चों को जागरूक करते हुए इस पढ़ाई को फिर से प्रारंभ किया जाएगा, स्कूल फिर से खुलेंगे और बच्चे फिर से स्कूलों में लौटेंगे, क्योंकि जो सरकार का ध्येय है कि बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और ये तभी संभव है जब फिर से स्कूल खुलने लगेंगे। आज की बातचीत में बस इतना ही। आपको अगर ये बातचीत पसंद आई है तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर हम अगली बार एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे और आपसे जुड़े हुए मुद्दे पर फिर से हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।